कोविड-19 के बारे में ये किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम एक कर समझेंगे। तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। और एक कैसे फैलता है, किस तरह से फैलता है हम लोग के बीच में, और एक किस किस रूपों में रहता है, इन सभी चीज़ को हम एक कर देखेंगे और एक वीडियो के द्वारा भी हम इस सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे और वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ आराम से मिल जाएगी। कौन सी जांच करानी चाहिए हम लोगों को, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि इसके बारे में ऑक्सीमीटर, थोड़ी सी ऑक्सीमीटर के बारे में चर्चा करते हैं कि ऑक्सीमीटर क्या होता है, और अगर आपको घर पे तकलीफ है तो आप एक ऑक्सीमीटर रख करके आप इसे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, ऑक्सीमीटर में लगभग 2 से 3 चीज़ें आपको बताई जाती है, जिसमें सबसे पहले आपको SpO2 परसेंटेज में रहता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जनरली हम लोग को ऑक्सीजन की मात्रा 98% होना चाहिए, 98 से कम नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन आपका डिक्रीज धीरे धीरे करता है और कम से कम अगर 94, अगर आपको 94 से ज़्यादा डिक्रीज करता है, या तो मानते हैं कि आपको 90 पे आ जाता है, तो आप कम से कम घर में आप आराम से रहें। अगर आपको 80 से भी कम नहीं लगता है, 85 हो जाता है, 90 से अगर कम नहीं लगता है, 80-85 हो जाता है, तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क में रहें, ठीक है। क्योंकि उस स्थिति में आपको ऑक्सीजन लेवल कमने से क्या होता है कि आपको श्वसन वगैरह में तकलीफ होने शुरू हो जाएगी। तो कम से कम SpO2 जो सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन जो परसेंटेज है, इसकी मात्रा कम से कम 96 होने चाहिए, 96-97 होने चाहिए, ऐसे जनरली 99-98 जिनका भी होगा बहुत बेस्ट है, और इसमें कोरोना का भी कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि पीआर वैल्यू क्या होता है। पीआर का मतलब होता है पल्स रेट, ठीक है, यानी कि जब आपका कभी कभी घबराहट होता है तो पल्स रेट कभी कभी हाई हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, या कभी कभी एकदम बेहोश होने पर या फिर किसी तरह से दिक्कत होने पर पल्स रेट धीरे धीरे एकदम श्वसन की क्रिया बंद होती है तो पल्स रेट भी घटने लगता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको पल्स रेट देखना होगा कि कम से कम 60 से 90 के बीच में प्रति मिनट होना चाहिए पल्स रेट, यानी कि 60 से 90 होना चाहिए। अगर आपको बाई चांस 100 हो गया, 110 हो गया है, तो आप थोड़ी देर वेट करें, घबराएं नहीं। ऑक्सीजन लेवल आप देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन लेवल आपका खाली डिक्रीज नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। इसके बाद आपको एक बताता है PI, यानी कि जो होता है परफ्यूजन इंडेक्स, इसमें क्या होता है 2 to 20 होना चाहिए, या तो 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सर्कुलेशन है, यानी कि सही ढंग से शरीर हमारा काम कर रहा है कि नहीं, हर जगह पर हर नस में ऑक्सीजन लेवल पहुँच रहे हैं कि नहीं, ब्लड पहुँच रहे हैं कि नहीं, ये इसको इंडेक्स करता है। लेकिन इस जरूरी नहीं है खास, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी रखनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और यहाँ पर कुछ और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहता है कि कोविड-19 जो है, इसे चेक कराने के लिए हम लोग को किसकी जांच करानी चाहिए, RT-PCR की जांच कराई जाती है, ठीक है। यानी कि RT-PCR क्या होता है, तो RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग को 9th जो होता है या 11th-12th में हम लोग को ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि DNA से RNA का निर्माण होता है, यानी कि DNA के स्टैंड पे, DNA की जो सांचा होता है उस पर RNA का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि RNA से पहले DNA बनाया जाता है और फिर DNA से वापस RNA बनाया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। तो हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आपका इसे हम लोग अनुलेखन भी कह सकते हैं हिंदी में। और ये PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, तो ये किस प्रकार से चैन का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज करवाई जाती है, तो ये कुछ ज्यादा अथी नहीं है, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में ही ये RT-PCR की जांच होती है। लेकिन अगर मानते हैं कि कभी कभी इनसे जांच जो है कि कन्फर्म नहीं हो पाता है, तो और ज्यादा कन्फर्म करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, CT स्कैन।
यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ सर का दर्द या तो माथा का दर्द है या फिर चोट लग गया तो सीटी स्कैन है, नहीं तो सीटी स्कैन कई मायनों में भी किया जाता है, सीटी स्कैन से काफ़ी चीज़ें, लेकिन बार बार सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो इससे कभी कभी जो होता है कि कई बार सीटी स्कैन होने से कभी कभी कैंसर का भी खतरा इस पर बन सकता है। लेकिन एक दो बार से आपका कोई टेंशन नहीं है, तो सीटी स्कैन भी आपको कन्फर्मेशन के लिए, गले में खराश के लिए आपको सीटी स्कैन करवाया जाता है। अब दोस्तों जो कोरोना का जो जांच होता है उसमें एक सीटी वैल्यू होता है, ठीक है, सीटी वैल्यू निकाली जाती है, ये ध्यान रखिएगा सीटी वैल्यू। तो सीटी वैल्यू क्या होता है कि इसमें जैसे कोरोना का जो स्टैंड है, कोविड का जो स्टैंड है वो सिंगल होता है, और इसे डीएनए में कन्वर्ट, जो हम लोग का जो शरीर में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, और वायरस में आरएनए पाया जाता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि एक स्टैंड के साथ इसका मर्ज किया जाता है आरएनए के स्टैंड को, और इसके बाद इसको घुमाया जाता है, इस प्रकार से इसमें जो है कि इसमें चक्का की तरह जो है इस प्रकार से घुमाया जाता है, और घुमा घुमा करके क्या होता है कि एक आपको श्रृंखला निकाली जाती है, उसको रिंग, जिसको हम लोग रिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, सिटी वैल्यू में हम इसे काउंट करके आपको इसमें बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिटी वैल्यू याद रखिएगा कि जितना कम आएगा उतना ही ज़्यादा आपके शरीर में संक्रमण की मात्रा होगी, ठीक है, यानी कि अगर मानते हैं कि जनरली यहाँ पर जैसे साथ लिखा हुआ कि 35 से कम रहने पर कोरोना है, लेकिन 35 से ज़्यादा आने पर कोरोना के खतरे से बाहर माना जाता है। जैसे मानते हैं कि अगर आपको जो रिंग को घुमाया जाता है, उस सिटी वैल्यू को घुमाया जा रहा है, तो सेल ट्रांसफ्यूजन जो कराया जाता है, सिटी यानी सेल ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जब इसको घुमाया जाता है तो अगर मानते हैं कि 35 बार में भी नहीं दिखा तो आपको कोरोना नहीं है, लेकिन अगर मानते हैं कि कभी कभी रिंग को घुमाते रहे और 25 बार में ही आ गया, 30 बार में ही आ गया, तो आपका कोविड है। या तो अगर मानते हैं कि 5 है, 10 है, 10 बार में आ गया, तो और ज़्यादा मात्रा में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर कोविड की जो मात्रा है वो आपको जितना कम जो सीटी वैल्यू आएगा उतना ही ज़्यादा में आपका संक्रमण है, और जितना कम सीटी वैल्यू आता है उतना आपको कम खतरा है। इसके बाद है, इसमें आरएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जो कोविड होता है, इस कोविड जो 19 का जो है, इसमें आपको कहाँ से होता है, कोविड में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का मतलब हो जाता है आपको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आरएनए जो होता है ये आपका कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, जबकि डीएनए जो होता है हम लोग का वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। अब कहा जाता है कि कोरोना की ऐसे शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ऐसे तो माना जाता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है, ठीक है, यहाँ यानी कि वुहान शहर से स्टार्टिंग हुई है, पर अब इसका अभी तक कोई अथी नहीं है कि आखिर रियल में कैसे बना, कहाँ से बना, किस तरीकों से शुरुआत हुई, इसका अभी तक कोई अतः पता नहीं चल पाया। इसका प्रथम लहर हम लोग को देखने को दिसंबर में 2019 से हम लोग को मिला था भारत में। इसके बाद इसका सेकेंड वेव जो है कि स्टार्ट हो गया है हम लोग का मार्च अप्रैल जो 2021 में, और तीसरा आने की संभावना 2021-22 तक, ठीक है, 22 के शुरुआत में आने की संभावना है। कोरोना का जो दूसरा लहर और भी खतरनाक है, जो पहले का लहर है उससे ज़्यादा आपको खतरनाक मिलता है, इसमें ज़्यादा मौतें देखी जा रही है। इसका पहचान है आपका तेज बुखार आना, खांसी, श्वास लेने में अटेंडम दिक्कत हो जाना, कंधे में जोड़ में काफ़ी दर्द बनाना, अचानक सांस का बंद हो जाना। एक कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर तेज़ बुखार ही आएगा, खांसी ही आएगा, कभी कभी आप ठीक हैं लेकिन अगर आप में कोविड का संक्रमण है तो कभी कभी अचानक से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो जाती है, धड़कन इत्यादि इसमें काफ़ी हो जाता है। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से खतरनाक होते जा रहा है, श्वास लेने में दिक्कत है, ठीक है, इत्यादि। इसकी समय सीमा लगभग दोस्तों कम से कम 15 से 20 दिन है। अगर आप 15 से 20 दिन तक आप ठीक ठाक रह गए तो समझिए कि आप खतरे से बाहर हो जाएंगे, और यदि 15 से 20 दिनों में आपको दिक्कत है तो आपको यहाँ पे डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। 10 दिन तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, ठीक है। इसमें आपको डॉक्टरों की सलाह से आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए, और घर पर सुरक्षित रहने की कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और तत्काल के लिए आप अगर खाना चाहते हो तो पारासीटामोल टैबलेट हो, जिंक होता है, आपका एजिथ्रोमाइसिन वगैरह है, मेड्रोल है, कैल्सिफ्रोल है, इसके बाद आपका
इटी से बहुत सारे टैबलेट है जो डॉक्टरों की सलाह से आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन सेशन है। तो आप जो है कि इस चीज़ों को आप आराम से समझें, एक एक चीज़ को देखें और कोशिश करें कि यदि आपको किसी तरह का परेशानी हो तो डायरेक्ट तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आए। और ऑक्सीजन लेवल ध्यान रखिएगा कि अगर 80-85 से कम आता है आप डॉक्टर के पास चले जाएं, या तो आप कोशिश करें कि अगर ऑक्सीजन मिलता है तो आप होम क्वारंटाइन भी हो सकते हैं ऑक्सीजन को लेकर के। लेकिन ऑक्सीजन का लेवल कम से कम 96-97 आपको सुरक्षित रहने के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब इसके हम लोग जो वीडियो के बारे में हमने बताया था कि ये संक्रमण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे फैलता है, इसके बारे में हम एक एक कर चर्चा करते देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार से फैलता है। तो चलिए हम चलते हैं लेकर के उस वीडियो के उस थी पर जहाँ पर आपको सारी चीज़ों को हम एक एक कर दिखा। तो अब समझते हैं हम लोग वीडियो के माध्यम से, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। और यहाँ से अब हम लोग दोस्तों देखते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार से संक्रमण हम लोग के बीच में